शौक था अपने दादा के कान पकड़ना, तो मैंने फिर दोहा बनाया, नीचे लिखा कि दादा हो चाहे देते क्या, दादा पोता में ही है। तो मैंने कहा दीपक जी चाहे नाराज होना, किताब में यो का यो कोटेशन लगेगा। अब आओ बेटा लास्ट में, सुखाड़िया जी की लास्ट में आ जाओ, हम सुखाड़िया जी की आवाज आपको अभी सुना देंगे। किस्मत थी, इनिशिएटिव लिया था वर्तमान विशेष साहब जिन्होंने अवसर दिया है, DSW साहब ने, मेरे साथी लेखक कैलाश जी गुजर साहब, मुरलीधर पालीवाल जी टाइप करने वाले हमारे काम के, रमेश कुमाऊ जी, मदन जी कुमाऊ जिन्होंने जयपुर हमारी किताब की फॉर्मेटिंग करी, RBSA के जो पब्लिशर हैं आशीष परनामी शिल्पी वाली किताब, तो लक्ष्मीचंद जी गुप्त जिन्होंने मटेरियल उपलब्ध करवाया, प्रोफेसर SL शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी से किताब दिलवाई, कीर्ति जयस्वानी करके एक लड़की है जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ढूंढ के दिया। हमने कहा कि हम नहीं जानते लेकिन सुखाड़िया जी को कुछ मैटर जरूर होगा, आप ढूंढ दीजिए, वो भी बहुत जिज्ञासु है, उन्होंने कहा जरूर ढूंढ के देंगे। और दो दिन में उन्होंने किताब ढूंढ के कीर्ति जयस्वानी ने हमें दी। डीन हमारे सुधार साहब, त्रिका साहब जिन्होंने खर्चा उठाया, सहयोग दिया, रजिस्ट्रार साहब आपकी जितनी अनुमतियाँ हुई डी पर, सिर्फ सुन लें कि सुखाड़िया जी हमारे नेता थे, तो सुनना चाहिए। चलिए मित्रों, ये 10-12 मिनट की है, पर उस पुण्य आत्मा को नमन करते हुए कि धन्यवाद सर। सुंदर व्याख्यान आध्यात्मिक राजनीति पर सुनने को मिला। सत्य वाजपेयी जी ने कागर में सागर पढ़ने का कार्य किया, उन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी से लेकर के राज मोहनलाल सुखाड़िया तक और कुलपतियों को भी उसमें लपेट लिया, और उसमें सारी की सारी बातें कही गई है वह बड़ी ही हम कह सकते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग थी, और समाज को इससे निश्चित तौर पर प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी जी शायद सुखाड़िया जी के जमाने में राजनीति नहीं थी, जहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री उनसे मिलने आते थे, और जो प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जितने बने सुखाड़िया जी ने प्रोफेसर्स बनाए, वो अपने आप में इस बात को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार की सोच उस समय हमारे मोहन सिंह जी मेहता की थी। आपने महाराणा प्रताप का नाम दिया, आपने हमारी ममता भाई जिसको मीरा भाई कहते हैं उनका आपने नाम लिया, आपने DS कोठारी का नाम लिया, और फिर मोहन सिंह मेहता, ये सब इसी भूमि के जिस प्रथम शिक्षा नीति की बात जो की वो उदयपुर के थे जी, इनके थे। और मैंने उनको एक बार गोपालपुरा में मैं रहता था, तब वो किसी हैंडपम्प पर अपने पोते को हैंडपम्प चला के पानी पिला रहे, तो ये तो इस भूमि की महानता है जहाँ पर कि बड़े बड़े लोग इसमें हुए हैं। आपका मैं विश्वविद्यालय की ओर से और मेरी ओर से स्वागत करता हूँ, बहुत अधिक बोलने की गुंजाइश नहीं। हमारे मुख्य अतिथि ने सुखाड़िया जी का पूरा का पूरी बातें विहंगम दृष्टि डाल दी, किस प्रकार से सुखाड़िया जी से उनका भी शायद 1977 से संबंध स्थापित हो गया। कटारिया जी ने तो सारी बातें बताई दी, मेरा केवल एक मात्र कहना है कि मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि 1982 में जब उनका निर्वाण हुआ तब इस कैबिनेट ने यहीं पर यह निर्णय लिया, जो कि शिवचंद माथुर मुख्यमंत्री थे और भैरू सिंह जी भी उनकी अंत्येष्टि में आए हुए थे, तुरंत उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय।
ये जो आप जो आध्यात्मिक की समन्वय की और राजनीति की बात करते हैं वो उस समय देखने को मिलती थी। और मेरा सौभाग्य रहा कि इतने वर्षों के बाद 27 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय में जो मोहनलाल सुखाड़े की आपको जो मूर्ति दिखती है वो मेरे कार्यकाल में मुझे सौभाग्य प्राप्त। ये भी अपने आप में कि 27 वर्ष के बाद यह मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। तो ऐसे व्यक्ति का विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रति भी बहुत रुझान था। मुझे याद आता है कि जब यहाँ पर प्रकाश आतुर चुनाव लड़े तो वो विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षक को प्राथमिकता दी। आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी हैं, हम SC में चुनाव प्रचार में उनके नाथद्वारा जाया करते थे, नाथद्वारा का जुम्मा उन्होंने सी पी जोशी जी को दिया था। वहाँ पर सारे लोग कह रहे थे, चाहे मनोहर चौधरी हों चाहे मास्टर किशन लाल जी हों, जो उस समय बड़े राजनीतिक कूटनीति के थे, जिनको कि चाणक्य कहा जाता था मास्टर किशन लाल जी को राजस्थान की राजनीति। आप सब इतने हजार वोट से जीत रहे हैं, आप इतने हजार वोट से जीत रहे हैं, तब सी पी जोशी जी ने कहा सर आप नाथद्वारा से हार रहे। तो इतनी निर्भीकता से कहने वाला कोई शिक्षक ही हो सकता। उन्होंने बुलाया और उन दोनों को डांटते हुए कहा कि ये आदमी सही कह रहा है, मुझे भी ये बात पता थी लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहता था। बाद में उन्होंने टिकट दिया और नाथद्वारा से वो विधायक भी बने। तो सुखाड़े जी की सोच ऐसी थी कि शिक्षकों के प्रति जो उनका लगाव था, चुनाव में भी जब शिक्षक होते थे तब वो उनके पास जाकर के उनसे हाथ मिलाते थे कि इतने सारे शिक्षक जो मेरे प्रति इतना लगाव रखते हैं और जो मेरे चुनाव में काम करेंगे ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। तो ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और वाजपेयी जी ने बताया कि कुलपति राजनीति से बनते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं मेरा पुनर्जन्म राजनीति से नहीं हुआ। पुनर्जन्म को मेरे को थ्रस्ट किया गया क्योंकि मेरे किसी और व्यक्ति का नाम था। तो ये पुनर्जन्म में जरूर मुझे जाते समय अच्छा लगेगा मुझे कि मेरा पुनर्जन्म किसी राजनीति से नहीं हुआ। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अंगीकार करने लायक बात है। और इसको हम आपके यदि इस आपके स्पीच को रिकॉर्ड किया नहीं किया तो इसकी हम निश्चित तौर पर रिकॉर्ड करा करके सारे टीचर्स में और स्टूडेंट्स में देंगे। एक बहुत बड़ी बात है ये। हाँ कोई बात नहीं सर, तो आप परमेश्वर से। और एक और बात भी बताओ, ये भी बहुत संभावी है, समावेशी है। मैं शिमला में जब नेट के एक्रीडेशन में गया तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमको लंच तो दिया राज्यपाल जी ने और डिनर दिया कुलपति मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के थे और राज्यपाल जो है वो अभी जो गुजरात के, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, आचार्य देवव्रत जी। तो ये इनका विश्वविद्यालय में और राजभवन में हमको ठहराया इन्होंने। और राजभवन ये आपका बड़प्पन है, आपका लगाव है और यही लगाव। एक और भी बात बता दूंगे, स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं लेकिन बांसवाड़ा में इन्होंने वेद सम्मेलन किया था। इनको किसी भी विषय पर आप बताते, अभी इन्होंने एक कृषि शायद फार्म पर आपका हमने ऑनलाइन व्याख्यान किया था GGTU में, तो वहाँ जिन लोगों ने सुना वो स्तब्ध रह गए थे कि इनको कितना विभिन्न प्रकार का नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे पा करके मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अधिक स्कोप नहीं है बोलने का, तो मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उचित पद्मासन बोलते हैं इसको, और अपने जो ओबेसिटी से ग्रस्त लोग हैं वो अपना वजन खुद तौल सकते हैं कितना वजन है। बहुत ही एक मिनट का, एक मिनट से भी कम से कहना सही होता है। हमारे रिवायती नायक की टीम आई थी त्रिवेदी जी के, एक पूरा सेशन योग का दिखाया था। वहाँ ने योग प्रशिक्षक बोले कि सर आप भी दिखाइए कुछ, तो हमने दिखाया उचित पद्मासन। उस बात को आपने रेखांकित किया था अपने जो एक्सिट मीटिंग में, जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर खुद योग करता हो तो अच्छा हो गई। और मैं समझ गया था एक ग्रेड तो मिलते रहेगा, आज मैं कह रहा हूँ एक मिनट का।
अध्यात्मिक राजनीति पर बहुत ही सुंदर अपना व्याख्यान दिया। इसके साथ ही तो राजनीति में राज एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। राज का तात्पर्य किसी पार्टी किसी पॉलिटिक्स किसी उससे नहीं है। राज का मतलब है कि समस्त जन का जो तंत्र है उसको किस प्रकार से चलाना है, इसके लिए क्या नीति बनती है, उसमें आध्यात्मिकता का किस प्रकार से समावेश होता है और होता आया है और होना चाहिए, इस पर बहुत ही गंभीरता से इन्होंने अपना प्रवचन दिया, अपना व्याख्यान दिया और कई छोटी छोटी चीजों को हमको समझाया। इसके लिए मैं मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान में आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन पर आप यहाँ पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।